नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के डिस्कशन की सीरीज में मैं आज आपके साथ नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस से रिलेटेड इनकम टैक्स एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। चाहे ना चाहे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज तो सर एनपीएस के कवरेज में है ही, परंतु प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे एम्प्लॉयज एवं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग एनपीएस के कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से सर, एक सोसाइटी में प्रोटेक्शन की भावना डेवलप करने के लिए या प्रोटेक्शन का स्टेज को लाने के लिए एनपीएस एक अच्छी स्कीम है। क्यों? क्योंकि ये भविष्य में जब कोई व्यक्ति रिटायर होगा तो उसके लिए पेंशन का व्यवस्था करके देती है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सर इनकम टैक्स से रिलेटेड जहां पर एनपीएस के टैक्सेशन इश्यूज क्रिएट होते हैं कि एनपीएस में हम जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें डिडक्शन कैसे मिलेगा, और अगर एनपीएस से हम विड्रॉ करेंगे तो उसका टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगा। तो मैं सर इस एस्पेक्ट पर आपका कुछ वक्त लेऊंगा और आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड इन एस्पेक्ट्स पर एक क्विक रिकैप कराने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सर, सबसे पहली बात, अगर हम एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो 80CCD सबसेक्शन 1 कहता है कि यदि मैं एम्प्लॉई हूं तो 10% ऑफ सैलरी तक का मैं डिडक्शन ले सकता हूं मेरे एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन का, और यदि मैं नॉन एम्प्लॉई हूं यानी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैं मेरी ग्रॉस टोटल इनकम के 20% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन एनपीएस में कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह लगता है कि नॉन सैलरी पेड ज्यादा पैसे जमा करा सकता है और सैलरी पेड को लिमिट कम है। ऐसा इसलिए सर क्योंकि सैलरीड पेड के लिए जनरली उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए 10% ऑफ सैलरी का एक एक्स्ट्रा डिडक्शन उस एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सैलरीड पेड को 10+10 20 बैठता है और सेल्फ एम्प्लॉयड 20% मैक्सिमम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो यदि मैं एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन का एक उदाहरण बनाऊं कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मेरी साल की 10 लाख रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम है, मैं यदि 2 लाख रुपए एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सैलरीड पेड हूं और मैंने 1 लाख रुपए एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट किया है और 1 लाख रुपए मेरे एम्प्लॉयर ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया और मेरी सैलरी 10 लाख है, तो भी सर मेरे को 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक जो इंटरेस्टिंग इशू यहां खड़ा होता है वो क्या होता है सर, ये 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन भारत सरकार 80CCD सबसेक्शन 1B में देती है। तो ये 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन हमें कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या 80CCD सबसेक्शन 1 की लिमिट पहले एग्जॉस्ट होनी चाहिए नहीं, ये कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो मैं सर इस पर अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं, हालांकि इस पर डिस्प्यूट आगे भी कायम रह सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर क्या अप्रोच फॉलो करता है, परंतु कुछ व्यवस्था ऐसी है सर। 80CCD सबसेक्शन 1 रेड विथ 80C एंड रेड विथ सम मोर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD, इन 3 सेक्शंस को मिलाकर के आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो 1.5 लाख की प्लानिंग अब तक हम लोग करते आए हैं और 80CCD सबसेक्शन 1B में सरकार ने 50,000 रुपए का हमें और कंट्रीब्यूशन करने की इजाजत दे दी। तो इससे सर यदि मैं टैक्स प्लानिंग करना चाहूं तो मैं 2 लाख तक का कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं सारी स्कीमों में मिला के, और यदि मैं 30% स्लैब में हूं तो 2 लाख के कंट्रीब्यूशन से सर मेरे को 30% के हिसाब से 60,000 का टैक्स बचता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट एसएससी को होगा। और ज्यादातर सर 1.5 लाख के कंट्रीब्यूशन हम लोग कर चुके होते हैं तो 50,000 एक्स्ट्रा एनपीएस में करने की बात आती है। मान लीजिए मैं ऐसी सिचुएशन रखूं कि मेरा LIC कंट्रीब्यूशन, ट्यूशन फीस, नॉर्मल प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन मिला करके या होम लोन का रीपेमेंट मिला के मेरा 1.5 लाख ऑलरेडी हो चुका है 80C में, और अब मेरे 50,000 एनपीएस में या तो मैंने खुद जमा कराए हैं या मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी सैलरी में से काट के जमा कराए हैं, तो क्यों ना सर उस 50,000 के अमाउंट को या जो भी अमाउंट है एडिशनल, मैं उसको 80C में क्लेम करने की जगह या 80CCD सबसेक्शन 1 में क्लेम करने की जगह सीधे 80CCD सबसेक्शन 1B में क्लेम कर लूं। तो मेरा ये ओपिनियन है सर यहां पर कि हम एनपीएस के अमाउंट को बिना 80CCD 1 में रखे सीधे 80CCD सबसेक्शन 1B में भी रख सकते हैं। और इस प्रकार से सर यदि मेरे उदाहरण में 1.5 लाख रुपए की ऑलरेडी LIC पॉलिसी में कॉन्ट्रीब्यूट कर चुका हूं और 50,000 मेरे एम्प्लॉयर ने एनपीएस के डिडक्ट किए हैं
जिसका डिडक्शन मैं 80CCD सबसेक्शन 1 में लेने की जगह सीधे 1B में लेना चाहता हूं, और इस प्रकार से मैं 2 लाख का डिडक्शन लेना चाहता हूं, तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं लगती सर, क्योंकि 80CCD सबसेक्शन 1B वो ये कहता है वेदर और नॉट अ डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 80CCD। तो आपने चाहे डिडक्शन नहीं भी क्लेम किया 80CCD 1 में, अगर आप चाहें तो 50,000 रुपए 80CCD सबसेक्शन 1B में क्लेम कर सकते हैं। तो सर ये व्यवस्था इंपॉर्टेंट है कि हमारे को इस प्रकार से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा। अब मैं ब्रीफ में सर एनपीएस से विड्रॉल पर भी बात कर देता हूं। सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था कर दी है कि जब एनपीएस से आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंटिन्यूस यानी 60 ईयर्स की एज से पहले विड्रॉ करते हैं 25% तक का विड्रॉल एग्जम्प्ट है। यदि आप तब नहीं विड्रॉ करते हैं, रिटायरमेंट पर आप लेंगे, तो रिटायरमेंट पर जो भी प्रोसीड होगी 40% तक का विड्रॉल आपका एग्जम्प्ट है। रिमेनिंग 60% विड्रॉल जो है सर वो आपका पेंशन फॉर्मेट में ही होगा, तो उसके लिए सर लॉ ने कोई एग्जम्प्शन दी भी नहीं है। तो आपका 25% ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ एनपीएस विड्रॉल एग्जम्प्ट है, 40% एट द टाइम ऑफ 60 ईयर्स एज वो भी सर आपका एग्जम्प्ट है। तो ये सर मैच्योरिटी से रिलेटेड बात। जो मुख्य डिस्प्यूट रह सकता है सर, वो डिस्प्यूट रहता है ये 80CCD सबसेक्शन 1B के 50,000 को क्लेम करने का, जिस पर मैंने अपनी ओर से जो कंफ्यूजन फील किया मार्केट में और उस पर क्लैरिटी मुझे लगा जरूरत है, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। यदि आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो मैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।